आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट की कटिंग को 100% रिजल्ट के साथ कैसे ग्रो करा जाए। उसके लिए दोस्तों हमें सेलेक्ट करनी होगी एक बेस्ट कटिंग जिसके नीचे रूट्स भी अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर वन है दोस्तों हमारा, हमारी जो कटिंग होती है उसको मदर प्लांट से अलग नहीं करना है, मतलब मदर प्लांट से भी वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी और समय रहते हमारा एक छोटा पॉट होगा उससे भी वो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन और अपनी रूट्स को डेवलप करेगा। तो आप सिंपली एक छोटा सा पॉट लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम छोटे से पॉट में हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा छोटा पॉट है उसके अंदर मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि मनी प्लांट्स अपनी छोटी छोटी रूट्स तभी ग्रो करेगा जब उसको आसपास मॉइस्चर मिलेगा और वो मॉइस्चर सिर्फ और सिर्फ सॉइल से ही हम उसे दे रहे हैं। बस आपको कुछ इस तरह से अपना मनी प्लांट लगाना है और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टोन रख दीजिए जिससे वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में एवरी टाइम रहे। अब यहाँ पर आप मॉइस्चर का भी हमेशा ध्यान रखना, मतलब आपका पॉट सूखना नहीं चाहिए। आप स्प्रे की मदद से भी मॉइस्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं। चलिए रिजल्ट देखते हैं, करीब 1-1.5-2 महीने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। पॉइंट नंबर थ्री, यहां पर हमारा मनी प्लांट बिल्कुल भी सनलाइट में नहीं होना चाहिए। अगर सनलाइट की वजह से आपकी लीफ बर्न हो जाएगी तो मनी प्लांट कटिंग इजीली ग्रो नहीं होगी, और अगर रेनी सीजन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटिंग ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट लिया है, इसकी सारी की सारी रूट्स इस छोटे पॉट में जा चुकी है। अब हम यहाँ इसे सेपरेट करके अलग से निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर हमारा ये है कि आपको आपकी कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है, बार बार चेक नहीं करना है, करीब 1 महीने तक इसे ऐसे ही रख देना है जिससे आपको रिजल्ट महीने भर में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको सीखना है किस तरह से मनी प्लांट को वाटर में ग्रो करा जाता है, उसके लिए दोस्तों आप हमारे इंग्लिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का ये वाला मेथड दोस्तों इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने काफ़ी सारी कटिंग्स उगा दी है। मनी प्लांट की खास बात दोस्तों ये है कि ये बहुत कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से फलता फूलता है। चलिए देखते हैं इसका अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 साल के आसपास हमारा मनी प्लांट छोटे से पॉट में है, अब हम उसे बड़े पॉट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा मनी प्लांट 1 साल से इस छोटे से पॉट के अंदर बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। चलिए चेक करते हैं कितना बड़ा हो चुका है हमारा मनी प्लांट। पॉइंट नंबर फाइव, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप मनी प्लांट को जब भी ग्रो करते हैं और वो थोड़ी सी अपनी लंबाई गेन कर लेता है उसके बाद आप उसे सपोर्ट हमेशा दें जिससे वो और भी अच्छे तरीके से ग्रो हो और प्लांट और जल्दी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप हाइट देखें दोस्तों हमारे मनी प्लांट की, लगभग 3 से 4 फीट के आसपास एक छोटे से पॉट में बहुत अच्छी इसने हाइट गेन करी है। और दोस्तों आप चाहें तो आप और ज़्यादा बड़ा पॉट दीजिएगा और ज़्यादा ये लंबाई अटेन कर सकते हैं, जो कि हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब अपना न्यू पॉट दे देते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, यहाँ पर मनी प्लांट को दोस्तों ऐसी सॉइल चाहिए जहाँ पर उसको न्यूट्रिशन तो कंटिन्यूसली मिलता रहे बट यहाँ पर उसके अंदर मॉइस्चर भी होल्ड रहे। उसके लिए हम कोकोपीट का यूज़ करेंगे, तो 30-40% के आसपास आप कोकोपीट यूज़ करें और 10-20% के आसपास आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, कुछ भी यूज़ करें। जैसे मैंने पहले बताया था हमारे मनी प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए मिक्स करके पॉट तैयार कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सेवन, ड्रेनेज होल। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट के पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़्यादा वाटर दिया तो यहाँ ड्रेनेज होल की मदद से सारा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर होल्ड रहा तो हो सकता है हमारे मनी प्लांट के छोटे छोटे लीफ आए, इसलिए अगर आपको बड़े पत्ते चाहिए मनी प्लांट के अंदर तो ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब उस ड्रेनेज होल को आप सैंड से कवर करिए जिससे बेस की तरफ भी बिल्कुल भी वाटर होल्ड ना हो। और चलिए अब पॉट भर देते हैं। पॉइंट नंबर एट, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र। यहाँ पर हम मनी प्लांट एक बार ग्रो करने के बाद बार बार तो उसे रिपोर्ट करने से रहे या फिर बार बार उसका पॉट चेंज करने से रहे, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं। आप बेस पर काउडंग डाल दीजिए, डिकम्पोज या नॉट डिकम्पोज दोनों ही काम करेंगे बहुत अच्छे से। लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र दोस्तों यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्लांट्स की रूट बेस पर जाएगी तो वहाँ पर भी उसे काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। पॉइंट नंबर नाइन, यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी मनी प्लांट को रिपोर्ट करें उसकी रूट्स नहीं तोड़ें, क्योंकि रूट्स बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट्स के लिए अच्छे से ग्रो होने के लिए। और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर लगाना है क्योंकि सेंटर में हम यहाँ पर मनी प्लांट ग्रोइंग स्टिक लगाने वाले हैं। चलिए पॉट अब फिलअप कर देते हैं और मनी प्लांट को लगा देते हैं।
पॉइंट नंबर 10, यहाँ पर मनी प्लांट की जो रूट्स होती है वो हमेशा मॉइस्चर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो आप कोशिश करिए आपकी मनी प्लांट की जो रूट्स होती है वो मॉस स्टिक के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, जिससे वो उसके अंदर की तरफ चली जाए और बहुत जल्दी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, वहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो। अब हमारे मनी प्लांट को एक बड़ा पॉट मिल चुका है, तो अब दोस्तों यहाँ पर ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लीफ निकाल दे, तो स्टे ट्यून और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 11, अब यहाँ पर दोस्तों बात हो जाती है एडिशनल न्यूट्रिशन, सॉइल में तो मिल गया है, अब लीफ को एडिशनल न्यूट्रिशन कैसे दें, तो यहाँ पर हम NPK का यूज़ कर रहे हैं 19:19:19। यहाँ पर प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा हेल्दी होगा और ज़्यादा बड़े बड़े लीफ प्रोड्यूस करेगा। आपको ये NPK स्प्रे है वो मॉस स्टिक के ऊपर डालना है बेसिकली, जिससे रूट्स वहाँ पर जाकर उसे वो भी एब्जॉर्ब कर सके। चलिए दोस्तों रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे मनी प्लांट ने बेस पे से एक बहुत ही स्ट्रांग न्यू अपनी ब्रांच निकाली है और बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों ये, इसके लीफ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। आई थिंक दोस्तों इसने काफ़ी अच्छे से फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करा सॉइल के अंदर से, हमारे NPK ने भी बहुत अच्छा काम करा है और प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पर आप ओवरऑल व्यू देख लें इसका एक बार। अगर आप भी चाहते हैं आपका मनी प्लांट इस तरह से हेल्दी रहे, इसके बड़े बड़े लीफ आएँ, तो दोस्तों इसको आप ऐसी कंडीशन में रखें जैसे कि सेमी शेड कंडीशन हो गई, इंडोर रखना है आपको, इसमें पानी लिमिटेड डालना है दोस्तों, ज़्यादा पानी डालने से लीफ छोटी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रूट रोट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बट आप लिमिटेड वाटर डालें तो लीफ थोड़ी सी बड़ी होगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं आप, कमेंट्स करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।